सर्वदलीय बैठक की शुरुआत अब हो चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है। तमाम नेता अलग अलग पार्टियों के, जिसमें जानकारी आ रही है कि सरकार की तरफ से तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अन्य नेता जो तमाम पार्टियों के हैं उनमें एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए एनडीए में है, मंत्री हैं सरकार में, तमाम अलग अलग दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं सर्वदलीय बैठक के लिए। मौके पर एनआईए की टीम है और तीसरी तरफ शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। ये देखिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में जाते हुए, सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो रही है। ये पहल है सरकार की कि तमाम जो पार्टियां हैं, इसमें आपको सतीश मिश्रा दिखाई दे रहे हैं बीएसपी की तरफ से, डी राजा लेफ्ट पार्टी की तरफ से, तमाम नेता वहां पर पहुंचे और ये सबसे महत्वपूर्ण है आज। और इसी से शुरुआत करते हुए भदौरिया साहब, आपके फारूक अब्दुल्ला भी दिख रहे हैं, जल्दी से एक कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले भदौरिया साहब, बहुत लेट से आप बैठे हुए हैं, सभी पार्टियों का एकजुट होना, आज देश को बड़ी हिम्मत मिल रही है इन तस्वीरों से। देखिए अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्र की बात है ना, राष्ट्र की बात होगी तो सारी पार्टियां एक होंगी, क्योंकि किसी पार्टी की बात नहीं है, ये हमला देश पे हुआ है। और ये चूँकि संसद दल के जितने भी यहाँ पे नेता हैं संसद में, अपोजिशन के जो सरकार है, देखिए सब मिलके एक साथ एक मीटिंग में, और अच्छा सरकार ने कदम उठाया है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, घटना हुई है और तुरंत 24 घंटे के अंदर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, सब मिलके फैसला लेंगे, सब आपस में क्या बात होती है, अब तो मीटिंग के बाद पता चलेगा कि सब ने मिलके क्या फैसला लिया, लेकिन कदम अच्छा है कि सब सर्वदलीय मीटिंग हो रही है, ये सराहनीय कदम है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र की बात होती है तो सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र पहले उसके बाद हम सब हैं। जी अभय जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, सभी लोग इस बैठक में पहुंचे हैं।